हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड नंबर 2 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लॉयड ने उसके दोस्त को ही एक लेडी की तरह मेकअप कर दिया होता है ताकि वो आन्या के लिए स्कूल में अजय मम्मी इंट्रोड्यूस कर पाए। लेकिन उसका मेकअप पूरा होने के बाद वो दोनों कहते हैं कि इससे तो काम नहीं चलेगा। तभी वो मेकअप वाला इंसान कहने लगता है कि क्या तुम मेरे मेकअप ठीक से नहीं कर सकते थे। लॉयड होकर कहता है कि मैं जो भी कर सकता था वो कर लिया है, और वो अपने मन में कहता है कि ऑपरेशन एस्ट्रिक के लिए हमने रिटर्न एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन अब हमारे आगे इंटरव्यू के दिक्कत आ गया है और ऐसा लग रहा है कि मुझे सारी चीज़ें अपने तरीके से ही बोलनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिटी बर्लिन के सिटी हॉल को, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ बात कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी सुंदर होते हैं, और वो सारी लड़कियाँ वहाँ पर अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वो लड़कियाँ योर से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड के बारे में क्या ख्याल है, और वहाँ पर वो तीनों मजाक में कहते हैं कि तुम्हें शायद कॉफ़ी में कुछ मिला लेनी चाहिए, और ये बात योर नहीं समझती है। और साथ में वो लोग कहते हैं कि तुम यूनिक हो और शायद इसी वजह से लोग तुमसे दूरी बना लेते होंगे। तभी वो लोग योर से कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा सुंदर है, तुम्हें खुद के लिए किसी को ढूंढ लेनी चाहिए। तभी योर कहती है कि जब तक मैं ये जॉब कर सकती हूँ तब तक के लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर एक लड़की कहती है कि अब तक तुम 27 ईयर की होगी और तुम इस तरह ही हर वक्त अकेली रहोगी तो हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर लोगों का शक जाए और तुम्हें रिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये सब कॉमन है। तभी योर के दो और दोस्त कहने लगते हैं कि हाँ, योर के एज की कोई भी लड़की सिंगल नहीं होते हैं जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर शक जा सकता है। और तभी योर उन लोगों की एडवाइस के लिए थैंक यू कहती है। तभी वहाँ पर वो लड़की जिसका नाम होता है कैमिलिया, वो कहती है कि मैं वीकेंड में एक पार्टी रखने वाली हूँ, तो योर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जरूर आना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योर अपने घर में होती है। तभी वहाँ पर एक कॉल आता है जो कि कॉल में उसके भाई होता है, जहाँ पर उसके भाई उसके प्रमोशन के बारे में बात कर रहा होता है। और तभी वो पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो, और ये बात सुनने के बाद योर उसके भाई को खुश करने के लिए वो कह देती है कि वो इसी वीकेंड में एक पार्टी में अपने पार्टनर के साथ जाएगी। और इस बात से उसका भाई खुश होता है और वो कहता है कि वो उसके पार्टनर के साथ मिलना जरूर चाहेगा, और वो फोन रख देता है। और इसके बाद योर खुद से कहती है कि उसके भाई की प्रमोशन होने वाली है, और उसके भाई को अगर ये पता चला कि वो झूठ बोल रही थी तो उसका भाई उसके प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका भाई योर का काफी ज्यादा फिक्र करता है और प्रमोशन की वजह से शायद उसे योर से दूर जाना पड़ सकता है। और योर इसीलिए डिसाइड करती है कि पार्टी से पहले किसी को अपने पार्टनर के जस्ट चूज करना होगा। तभी वहाँ पर एक कॉल आता है और योर को लगता है कि वो कॉल उसके भाई की ही है, और वो जल्दी वो फोन उठा के कहती है कि मैं तुमसे तो मजाक कर रही थी। लेकिन वहाँ पर कॉल में कोई दूसरा इंसान होता है जो कि कहता है कि हमारे पास एक क्लाइंट है जिसकी वजह से तुम्हें थॉर्न प्रिंसेस आना होगा। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा सीरियस हो गई होती है, और इसके बाद योर वो लोकेशन पर पहुंच जाती है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर नहीं आ सकती मैम, और वो कहती है कि यहाँ पर एक क्रिमिनल छुपा हुआ है, और वो तभी अपना एक हथियार निकाल दिया और उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। और वहाँ पर और भी कुछ लोग होते हैं जो कि योर से डर जाते हैं, और तभी योर वहाँ पर कहती है कि क्या मैं तुम्हारा सोल तुम्हारे बॉडी से निकाल सकती हूँ, और इसके बाद वो अपनी तलवार को धोने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि योर एक असासिन है, और उसका बॉस उसे जो भी काम देता है वो पूरा करती है। तभी योर अपनी ड्रेस को देखती है जो कि लड़ाई की वजह से फट गई होती है, और योर ये देख के कहती है कि मेरे पास इससे अच्छा ड्रेस और कुछ भी नहीं है, और अब ये भी फट गई, आखिर मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी। और वो कहती है कि मुझे एक पार्टनर भी ढूंढनी थी। अगले सीन में हम फॉरगेट को देखते हैं जिसके आगे उसके दोस्त आ गया होता है, और वो टाउन के हर एक अनमैरिड लड़कियों की डाटा लॉयड के आगे लेके आ जाता है, और वो कहता है कि तुम्हें ऐसी एक लड़की चाहिए जो तुमसे 48 आवर में शादी करने के लिए राजी हो जाए, लेकिन तुम्हारे पास एक बच्ची होने के बाद भी कैसे तुमसे 48 आवर में शादी करने के लिए मान सकती है। तभी आनिया फॉरकर के आगे आ जाती है और वो कहती है क्या मेरे वजह से फादर को परेशानी हो रही है, तो तभी फॉरकर कहता है नहीं आनिया, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जाके टीवी देखो। तभी लॉयड उसके दोस्त से कहता है कि हमारे पास ज्यादा एजेंट नहीं है, वरना हम अपने दोस्त में से ही एक को मेरी वाइफ के तौर में इंटरव्यू में प्रेजेंट कर सकते थे। और वो बताता है कि ये मिशन के साथ साथ उसे और एक मिशन मिला है जिसमें स्मगलिंग करने वाले ग्रुप को उसे खत्म करना है, और वहाँ पर वो सारी रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है क्योंकि उसे ऐसी एक लड़की चाहिए था जिसके ऊपर एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तभी हम देखते हैं कि आनिया भाई स्पाई शो देख रही होती है। तभी फॉरकर की दोस्त कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये बेटी आनिया किसी रिच फैमिली की लगती है, और वो कहता है कि शायद हो सकता है कि हमें आनिया की वजह से कोई परेशानी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फॉरकर ने आनिया को आने के लिए कुछ कपड़े बनाने के लिए एक शॉप में लेके आया हुआ होता है, और तभी वहाँ पर मेजरमेंट लेने वाली एक लेडी आनिया को अंदर लेके जाती है, और यहाँ पर बाहर लॉयड खड़ा होके वो लड़कियों को नोटिस कर रहा होता है, और वो लड़कियों को नोटिस करते हुए वो सारी बायोडाटा के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर योर आ जाती है, तभी वो एक लेडी से कहती है कि क्या आप मेरे ड्रेस को फिक्स कर सकती है, क्या ड्रेस थोड़ा फट गई है। और यहाँ पर फॉरकर योर को देखते हुए सोचता है कि आखिर ये मेरे नज़र से कैसे बच सकती है, और ये मेरे पीछे कब आ गई। और तभी वो अपने माइंड में योर के सारे डाटा के बारे में सोचने लगता है, और फॉरकर ने योर के सारे बायोडाटा के बारे में जान लेता है। तभी फॉरकर को उसके बायोडाटे से पता चल गया होता है कि योर की कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और उसके पेरेंट्स मर गए हैं, सिर्फ उसके फैमिली में उसका भाई एक ही है। तभी योर कहती है कि तुम कब से मेरी ओर ही देख रहे हो, आखिर मैं तुम्हारे किस तरह की मदद कर सकती।
तभी लॉयड पीछे घूमता है और वह कहता है कि तुम काफी अच्छी दिख रही थी इसलिए मेरा नजर तुम्हारे ऊपर चला गया। तभी योर कहती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद आ गई हूँ, और इससे पहले कि लॉयड कोई भी आंसर देता तभी आनिया पीछे से आने लगती है और वो लॉयड को फादर पुकारती है। और ये देखने के बाद योर थोड़ा एम्बरेस हो जाती है और वो अपने मन में कहने लगती है कि मैंने अभी अभी किसी के हस्बैंड को परेशान कर दिया, और वो सोच रही होती है कि क्या मुझे उसकी वाइफ को मार देनी चाहिए। और वो अपने मन में कहती है कि मुझे इस तरह की बात नहीं सोचनी चाहिए वरना किसी को पता चल सकता है कि मैं असासियन हूँ। और ये बात आनिया सुन के पूरी तरह से डर गई होती है। और तभी वो लॉयड और योर को एक साथ देखती है और वो कहती है एक स्पाई है और एक असासियन, और वो अपने मन में कहती है कि ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगी। तभी आनिया लॉयड की मन की बात को जान लेती है जहाँ पर लॉयड कह रहा होता है कि मैं इसे आनिया के मॉम बना सकता हूँ। दूसरी तरफ योर सोच रही होती है कि मैं लॉयड को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। और ये सुनने के बाद आनिया नोटिंकी करना स्टार्ट कर देती है और वो वहाँ पर कहती है कि मैं अकेली हूँ, मेरे पास मम्मा नहीं है। और ये बात सुनने के बाद योर कहती है कि क्या तुम अपने वाइफ के साथ नहीं हो। और ये बात सुनने के बाद लॉयड कहता है कि मेरे वाइफ 2 साल पहले ही गुजर चुकी है। तभी योर अपने मन में कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे पार्टी के लिए बोल सकती हूँ, और पार्टी के लिए पूछने के लिए इसकी वाइफ मुझे मारेगी भी नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि योर ने लॉयड को पूछ लिया होता है कि क्या वो पार्टी में उसके बॉयफ्रेंड बन के जा सकता है, क्योंकि वो उसके भाई के लिए प्रॉब्लम खड़ा नहीं करना चाहती है। और ये बात सुनने के बाद लॉयड वो पार्टी के लिए हाँ कर देता है। तभी लॉयड कहता है कि ये एक डील है, और वो कहता है कि मेरी बेटी के स्कूल में एक इंटरव्यू होगी और ये इंटरव्यू के लिए तुम्हें उसकी मॉम की रोल निभानी होगी, और जिससे उसे स्कूल में एडमिशन के लिए हेल्प मिल सकता है। और ये बात सुनने के बाद योर अपने मन में सोचती है कि ये इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है, अपने बेटी के लिए बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लॉयड अपने मन में सोच रहा होता है मैं ये लड़की को मुझसे शादी करने के लिए धीरे धीरे कन्विंस कर दूंगा। और तभी योर कहती है कि पार्टी सैटरडे में है और वो कहाँ पर है मैं बाद में बता दूंगा। अगले दिन में लॉयड घर जाते हुए एक शॉप से कुछ सामान खरीदता है। वो शॉप कीपर लॉयड को एक अजीब तरह की कॉइन देता है। जब लॉयड अपने घर आ जाता है तो वो उसी कॉइन को खोलता है जिसमें उसके मिशन के लिए इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। लॉयड जब वो इन्फॉर्मेशन को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मिशन सैटरडे को है, लेकिन वो पार्टी भी सैटरडे को ही थी, और वो सोचता है कि मुझे सारी चीज जल्दी ही करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयड अपने उसी एक दोस्त के साथ एक जगह पर पहुंच गया होता है जहां पर उन्हें उनकी मिशन पूरा करनी थी, और वहां पर वो कहता है कि मुझे ये मिशन जल्दी कंप्लीट करना होगा ताकि मैं पार्टी के लिए जल्दी जा पाऊं। तभी वहां पर उसका वही दोस्त कहता है कि मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, ना कि कोई फाइटर। तभी वहां पर लॉयड कहता है कि 78 आइटम्स चोरी हुए हैं जिसका वैल्यू 3 मिलियन डॉलर तक जा सकता है, अगर उसमें से एक दो चीज चोरी हो जाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। और ये सुनने के बाद उसका दोस्त जो कि वहां से भागने वाला होता है वो कहता है कि अब वो ये सारी चीजों को संभाल सकता है। तभी हम योर को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ी होकर लॉयड की वेट कर रही होती है, और वो अपने मन में कहती है कि शायद लॉयड किसी एक्सीडेंट में फंस ना गया हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक गाड़ी को जिसके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है, और ये धमाका लॉयड ने किया हुआ होता है, और वो वहां पर अपने मन में कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, और यहाँ पर 38 लोग हैं और मैं एक ही साथ इन लोगों को मार दूंगा। और वहाँ पर जब बहुत सारे स्मगलर बाहर आते हैं तो लॉयड जल्दी एक एक करके काफी सारे स्मगलर को मार देता है। तभी लॉयड के पार्टनर कहता है कि मुझे सारी चीजें मिल गया है तो हमें इसके वजह से निकलना चाहिए। तभी जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी वो लोग वो गाड़ी के अंदर चुराई गई चीजों को देख रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त पूछता है कि आखिर इनमें से कौन सा चीज गायब होने वाला है। तभी वहां पर लॉयड एक डायमंड रिंग को उठाता है और वो कहता है कि वो रिंग योर को देगा। तभी योर का वही पार्टनर कहने लगता है कि ये तो डायमंड रिंग है, ये तो मैं ही ले लूंगा। और जब वो दोनों इस तरह से बात कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि उनके बहन के ऊपर कोई अटैक करता है, और इसके बाद हमें योर का सीन दिखा जाता है जो अभी भी वहां पर खड़ी होकर लॉयड की इंतजार कर रही होती है। और तभी वो कहती है कि शायद लॉयड नहीं आने वाला, और वो कहती है कि मुझे अपनी भाई की खुशी के लिए मुझे पार्टी में जाना ही होगा ताकि वो वहां पर लोगों से मिल सके और वो अपने वर्क रिलेशनशिप को बर्बाद ना करे। और इसके बाद हम देखते हैं कि योर वो पार्टी में पहुंची होती है और वहां पर कमेलिया दरवाजा खोलती है और वो पूछती है कि आखिर तुम्हारा पार्टनर कहां पर है, जिससे उनकी योर कहती है कि उसे कुछ काम था इसके वजह से वो नहीं आ पाया। और तभी कमेलिया और उसके दोस्त गॉसिप करने लगते हैं कि ये जरूर झूठ बोल रही है। और तभी योर के आगे एक बंदा आने लगता है जिसका नाम होता है डोमिनिक, जो कि योर के भाई का दोस्त होता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पार्टनर से मिलना चाहता था। और वो ये भी बताता है कि तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे बारे में चिंता करता रहता है। और ये बात सुनने के बाद योर डोमिनिक से कहती है कि क्या तुम मेरे भाई को कह सकते हो कि मैं एक अच्छे जेंटलमैन के साथ ये पार्टी में आई थी। और तभी वहां पर कैमिलिया आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को सब सच्चाई कह के ही रहूंगी। और इसके बाद वो शांत होकर पार्टी में बैठ गई होती है, और वहां पर उसके दोस्त उसके बारे में ही गॉसिप करने लगते हैं, और तब वो वहां से जाने के बारे में सोच रही होती है। और ये बात जब वो अपने दोस्त से बोल ही रही थी तभी हम देखते हैं कि वहां पर लॉयड आ गया होता है, और लॉयड के बॉडी में काफी सारे खून लग गया होता है। और लॉयड पार्टी में आके वहां पर चिल्लाए कहता है कि मेरा नाम है योर, और वो कहता है कि मैं योर के हस्बैंड हूँ। और ये सुनने के बाद योर लॉयड के कान में कहती है कि तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और ये सुनने के बाद लॉयड थोड़ा चौंक जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इसके रिक्वेस्ट को अपने काम के साथ मिक्स कर दिया हूँ। तो भी डोमिनिक लॉयड से पूछता है कि आखिर तुम्हारे बॉडी में इतने सारे खून क्यों लगे हैं, तो जिसके जवाब में लॉयड कहता है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और एक पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल चला गया जिसके वजह से मेरे बॉडी में इतने सारे खून लगे हैं। और ये बात सुनने के बाद कमिला पूछती है कि तुम तो मैरिड हो लेकिन ये बात तुमने किसी से भी नहीं कही थी। और ये बात सुनकर लॉयड कहता है कि मेरी एक बेटी है और मेरी पहली वाइफ मर गई है, और शायद इसी की वजह से योर ने ये बात छुपा ली थी।
और इसके बाद कमीला थोड़ा जेलस फील करने लगती है और वो अपने मन में कहती है कि आखिर योर की हस्बैंड इतने ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है। और वो पार्टी में योर को एम्प्रेस करने के लिए हॉट ग्रैटिन गिराने की कोशिश करती है, लेकिन योर अपनी ही टेक्निक के मदद से वो पकड़ लेती है। और लॉयड तभी कहता है कि अच्छी बात है कि तुम खाना बर्बाद होने नहीं देती हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पैर यूज करना नहीं चाहिए। और तभी कमीला वहाँ पर आके कहती है कि क्या तुम्हें पता है ये सिटी हॉल में काम करने से पहले काफी सारे होटल में मसाज देने के लिए जाती थी। और ये सुनने के बाद योर अपने मन में सोचने लगती है कि मैं तो मसाज सिर्फ दिखाने के लिए जाती थी ताकि मेरा डेथ का सीन ये छुप सके। और वो तभी लॉयड से कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो उस तरह की नहीं है। तभी लॉयड थोड़ा शांत होकर कहता है कि योर के पेरेंट काफी जल्दी चले गए थे और इसी की वजह से वो अपने यंग ब्रदर के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल की है। वो जॉब करके खुद की जिंदगी को दांव में लगा दी थी और योर के जैसे आयरन विल लेडी के लिए मैं काफी ज्यादा प्राउड हूँ। और तभी वो कहता है कि क्या अभी हमें घर जाना चाहिए, जिसे सुन के योर कहती है हाँ जरूर। और ये बात सुनने के बाद वहाँ पर सब लोग शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉयड और योर लॉयड के वैन में बैठ के पार्टी से वापस जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो बचे हुए स्मगलर लॉयड के पीछा करने लगते हैं गाड़ी से, और जिसके वजह से लॉयड सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों को मेरे लोकेशन के बारे में कैसे पता चल गया, क्या यहाँ पर उन लोगों का कोई GPS छुपा हुआ है। और लॉयड तभी स्मगलर की बात छुपाते हुए कहता है कि ये लोग मेरे पेशेंट है जो कि अब तक रिकवर नहीं हुए हैं। और योर भी ये बात मान लेती है। तो लॉयड सोचता है कि आखिर इसने मेरी बात पर कैसे यकीन कर लिया। और वहाँ पर वो दोनों अपनी बहन को एक जगह पर रख देते हैं और वहाँ पर छुपके रह जाते हैं। तभी वो स्मगलर वहाँ पर आ जाते हैं, लॉयड छुपकर उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। इसके बाद वो योर को वहाँ से लेके भागने लगता है। तभी योर पूछती है कि आखिर तुम्हारे लिए अपने पेशेंट को मारना क्या सही रहेगा। तो लॉयड इसकी रिप्लाई में कहता है कि मेडिकल फील्ड में ट्रीटमेंट के लिए एक नई थेरेपी आया है जिसका नाम है बेटिंग थेरेपी। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं बता नहीं सकता आखिर ये सच में बेवकूफ है या फिर ये बेवकूफ बनने की नाटक कर रही है। और तभी उनके पीछे एक स्मगलर आ जाता है और लॉयड एक आयरन रॉड उठा के वो स्मगलर को घायल कर देता है। और तभी वहाँ पर उन लोगों के ऊपर और एक अटैक होने वाला था, लेकिन जब लॉयड वो अटैक को रोकने की सोच रहा होता है तभी योर वो अटैक को रोक देती है। और ये देख के लॉयड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो क्रिमिनल को लात मारने की वजह से वो क्रिमिनल काफी ज्यादा दूर उड़ के चला जाता है। तभी योर बहाना बनाती है कि मैं सेल्फ डिफेंस में काफी अच्छी, और इसे उनकी लॉयड भी काफी खुश होता है और वो योर को शुक्रिया कहता है। और तभी वो दोनों मिलकर स्मगलर को मारने लगते हैं। तभी जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तभी योर लॉयड से कहती है कि क्यों ना हम लोग शादी कर ले। और ये बात सुनने के बाद लॉयड चौंक कर वहाँ पर ही गिर जाता है। तभी वहाँ पर योर कहती है कि उसके सिंगल होने की वजह से उसे सस्पिशियस माना जा रहा है, अगर हम शादी कर लेंगे तो तुम तुम्हारा काम कर सकते हो और मैं मेरा, और जिसके वजह से हम सिर्फ इंटरव्यू तक ही नहीं आगे भी एक साथ रह सकते हैं। और ये बात सुनकर लॉयड वहाँ पर खड़ा होता है और वो कहता है तो अच्छे काम में देरी क्यों, और हमें सिटी हॉल में जल्दी जल्द रजिस्ट्रेशन कर लेनी चाहिए। और तभी उसे याद आता है कि उसके पॉकेट में एक डायमंड रिंग थी, और जब वो अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पॉकेट में एक छेद थी और उसकी रिंग वहाँ पर कहीं गिर गया था। जब वो यही बात सोच रहा होता है तभी वहाँ पर और भी सारे स्मगलर आने लगते हैं, और ये देखने के बाद योर लॉयड उनके बुलेट से बचने के लिए भागने लगते हैं। तभी लॉयड वहाँ पर एक ग्रेनेड देखता है और वो वही ग्रेनेड को उठा लेता है, और ये बात वो स्मगलर को नहीं पता होता है और वो फायरिंग करने लगते हैं। तभी लॉयड फॉरगर वो ग्रेनेड की पिन को ओपन कर लेता है और वो ग्रेनेड को स्मगलर की ओर फेंक देता है। वो ग्रेनेड की पिन को यूज करके योर को एक रिंग के जैसे पहना देता है, और तभी वहाँ पर ग्रेनेड की वजह से एक धमाका होता है। और तभी लॉयड योर से कहता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तब तक जब तक मेरी मिशन खत्म ना हो जाए। इस तरह से ही कुछ योर भी सोच रही होती है और वो अपने मन में कहती है कि जब तक मेरा मिशन खत्म ना हो जाए तब तक मैं ये रिलेशनशिप रखूंगी। और इसके बाद यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।